इटावा ग्वालियर मार्ग पर स्थित चंबल पुल की सीमा पर रविवार को सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक यानी 7 घंटे तक करीब 6 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा। इस कारण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा पर दोनों ओर 3-3 किलोमीटर तक लोग वाहनों में फंसे रहे। भीषण गर्मी के बीच बच्चे, वृद्ध और महिलाएं परेशान रहीं। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। रविवार सुबह अवैध खनन वाहनों की चेकिंग के लिए चंबल पुल के बॉर्डर पर खनन विभाग की टीम की सूचना से अफरा तफरी मच गई। खनन वाले वाहनों के बॉर्डर से वापस से मध्य प्रदेश की सीमा में भागने और अधिकांश ट्रकों के चंबल पुल के दक्षिणी छोर पर जमा होने से जाम की स्थिति बन गई। कुछ ही समय में इटावा ग्वालियर मार्ग पर दोनों सीमाओं में जाम लग गया। लगभग 4 घंटे बाद खनन टीम सीमा से हटी। इसी दौरान एक गिट्टी से भरा हुआ ट्रक बीच मार्ग पर खराब हो गया, जिसके कारण फिर से जाम की स्थिति बन गई। वहीं देर शाम तक जाम खुलवाने और लगने की स्थिति बनी रही। इटावा ग्वालियर मार्ग पर लगे जाम में फंसे चार पहिया और बसों में सवार बच्चों, वृद्ध और महिलाओं को पानी के लिए व्याकुल देखते हुए ग्राम उदी के युवाओं ने घरों से बाल्टी ग्लास लेकर पानी पिलाया और इस काम में गांव के छोटे छोटे बच्चों ने भी सहयोग किया।